गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम तत्तापानी। तत्तापानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की गोद में बसा एक छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट है। कहते हैं कि यहाँ पे सल्फर वाटर निकलता है। सल्फर मीन्स कि गंधक का पानी निकलता है जिससे शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए आज हम वही चीज़ देखने आए हैं और वही चीज़ आज हम तत्तापानी में एक्सप्लोर करेंगे कि वो जो गर्म पानी आता है, वो जो सल्फर वाटर गंधक का वाटर आता है, वो कहाँ से आता है। तो गाइस, जैसा आपने मैंने लास्ट व्लॉग देखा होगा, तो हम मुजफ्फरनगर से नॉन स्टॉप ना तत्तापानी आए थे। अब बहुतों के मन में ना क्वेश्चन बैठता है कि भाई तत्तापानी चीज़ क्या है और ये कहाँ पर है। अभी बताता हूँ। एक्चुअली तत्तापानी एक हिमाचल में पड़ता है। अगर आप शिमला आ रहे हो ना, शिमला के बाद जब आप कुफरी जा रहे हो, वहाँ से दो रास्ते कटते हैं। एक अगर आप ऊपर जाओगे तो कुफरी आएगा, नीचे जाओगे तो तत्तापानी आएगा। तत्तापानी एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना नेचुरली हॉट स्प्रिंग है, मतलब धरती के अंदर से ना गर्म कुंड निकल रहा है, जो बोलते हैं गंधक का पानी होता है। और अगर आप उसे नहा लो ना, बॉडी के जितनी भी रोग होते हैं भाई गायब ही हो जाते हैं। तो वो स्प्रिंग ना यहाँ पर है, और ये जो एरिया है ना, अब आपको दिखाता हूँ। एंड ये ना 200 मीटर के अंदर में ना हॉट स्प्रिंग है, मतलब 200 मीटर के अंदर आप कहीं भी खोदोगे ना तो गर्म पानी आएगा। तो ना अभी हम ना फिलहाल चलते हैं, यहाँ पर आते हो तो क्या क्या चीज ना आपको विजिट कर सकते हो, तो तत्तापानी आज हम करने वाले हैं एक्सप्लोर। ठीक है, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। तो आराम से पड़ा रहा तू कुछ ना कर। यार यहाँ की ना लोकेशन देखो, रूम के बाहर की मस्त सा सीन हो रहा है, जंगल का एरिया, लेकिन जंगल नहीं है ना। और उस साइड है भाई, मतलब जो लेक है ना वो उस साइड है, और क्लाउड कितने प्यारे से लग रहे हैं। तत्तापानी ना ज़्यादा बड़ा नहीं है, हार्डली ये मान लो 1 किलोमीटर के अंडर में पूरा छोटा सा गाँव है, मतलब इतू सा गाँव है यार, इतू सा गाँव ये। अब हम जा रहे हैं घाट की साइड, आपको दिखाएंगे ना कि तत्तापानी जो चीज़ है वो क्या चीज़ है, क्योंकि यार ये मिस्ट्री है ना एक टाइप की, कि भाई स्टार्टिंग से ना गंधक का पानी आ रहा है वो कैसे आ रहा है। प्लस क्या है ना, जो यहाँ पे जो स्रोत है ना, सबसे ज़्यादा जो स्रोत है वो इस रूट पर है। यहाँ पे लिखा भी है, देखो ग्राम पंचायत तत्तापानी। और ये ना देखो यहाँ पे वो बना रखा है, पूरा ना मैप बना रखा है, बस स्टैंड के लिए सीधा है और गर्म पानी के लिए इस साइड है। तो यहाँ पे ना जितने भी हैं 4-5 जो भी है ना, वो भी दिखाऊंगा। बाकी यहाँ ना सारे होटल्स थोड़े घर वर से हैं, और 2-3 होम स्टे भी हैं भाई। सामने ना दिख गया है स्रोत ना, यहाँ पे नहा रहे हैं बंदे भाई, बहुत सारे बंदे नहा रहे हैं नंगे नंगे थे। बाकी ये चेक करो यार, क्या सही सा व्यू आ रहा है ना, क्योंकि यार आईफोन से शूट करने में एक फायदा मेरा बहुत हो रहा है, ये HDR में ले रहा है। देखो क्लाउड भी आ रहे हैं ना, बिल्कुल सही से आ रहे हैं क्लाउड भी। यहाँ पे ना एक चीज है, कुछ ना लोग बाग भाई बत्ते बनाई देते हैं। कोई कुछ बोल रहा है यहाँ के बारे में, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोलता है कि ज्वालामुखी या कुछ केमिकल होगा उसकी वजह से यहाँ पे गर्म पानी का स्रोत आ रहा है। प्लस कोई कुछ ये बोलता है कि साधुओं ने यहाँ पे ना तपस्या की थी, उसके बाद उन्होंने जब वरदान मांगा था तो उन्हें गर्म स्रोत मिला था, तो एक स्रोत तत्तापानी है। तो अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है हमें नहीं पता है। इसके बारे में बात कर रहा था ना, वो ये चीज़ है, एक दो दो तो यही आपको मैंने दिखा दिए। अब आपको पूरा ना पास से दिखाता हूँ कि जो एक गर्म पानी आता है तो आता कहाँ से है। ये देखो। अच्छा आपको ना एक चीज़ दिख रही होगी, इसमें ना बुलबुले निकल रहे हैं, ये देखो, ये ना नीचे से इसका पानी आ रहा है ना, गर्म जितना पानी है ना वो सब यही आता है, और स्मेल सी भी आ रही है ना पानी में, स्मेल सी भी है। और ये जो पानी आ रहा है देखो, बीच में ना छेद भी छोड़ रखे हैं, जिसके अंदर से पानी का स्रोत है भाई आ रहा है यहाँ पानी। तो ये हो गया अपना, प्लस अभी है ना ये थोड़ा बड़ा है, उसके अंदर 3-4 बंदे नहा भी रहे थे, चले गए देख के, लेकिन मैं वीडियो शूट कर रहा था। प्लस ये देखो, ये आ रहा है पानी ना, और भाई और ये गर्म है भाई, गर्म पानी है, बहुत सही लग रहा है भाई। ठंड में आओ यहाँ तो ना, चिल करो आराम से बैठ के थोड़ी देर ना यहाँ पे। ओए बाकी अगर आपको पर्सनल चाहिए होगा ना, आराम से बैठ सकते हो, किसी को दिखाना नहीं है कि भाई हम नहा रहे हैं। तो मतलब लेडीज़ के लिए बोल दो, किसी के लिए बोल दो, तो इसके लिए एक पर्सनल स्विमिंग पूल बना रखा है। मतलब स्विमिंग पूल क्या यार, खुला हुआ तो है लेकिन लेडीज़ के लिए बेस्ट है भाई ये। तो हम तो लेडीज़ नहीं है भाई, हम तो कहीं भी झोला कपड़ा ठाया सो गए जाके पड़ गए।
तू घूमता रह, तू घूमता रह, सीस्ट है हमारा। क्या सॉरी सॉरी गलती होगी जी। प्लस इसके आसपास में देखो मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है भाई, मंदिर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। और ये क्या है इसका मेरा आइडिया नहीं, शायद ये धर्मशाला सी मेरे को लग रही है। भाई ओ भाई देखो बोटिंग हो रही है, वो ना स्कूटर होता है ना स्कूटर, एक मिनट ये दिखाता हूँ, ये स्कूटर बह रहा भाई स्कूटर। बाकी इस जगह अगर आप आ रहे हो ना, यहाँ पे सारी एक्टिविटी मिल जाएगी आपको। आपको बोटिंग करनी है, स्कूटर चलाना है इस टाइप का, ये जा रहा है आपको स्कूटर चलाना है, और या वाटर एक्टिविटी कुछ भी होती है ना, आप आराम से यहाँ पे आओ। देखो ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, यहाँ तो भाई कॉमन हो चुका है, कहीं भी जाता है सब कुछ मिलता है। बट अगर आप थोड़ी दूर और चल के आ जाओ तो एक प्यारा सा आपको ना ये नज़ारा मिल जाएगा, और एक ऐसी लोकेशन मिल जाएगी। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना मेरे भी और अनसेट के भी। ठीक है गाइस, ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय, चक्कर तो आ गए।